अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अखिलेश शहबाज। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो अभी मैं शायरी करने के लिए जा रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि शायरी क्या क्या है आज की शायरी। शायरी में है जी पराठा, अंडा, चिकन का सालन, कीमे का सालन, दही और मेथी या लस्सी। अब शायरी के बाद आपसे मुलाकात होती है। अभी जी मैंने शायरी कर ली है और शायरी के बाद आरमाती है एक कप चाय, आय हाय आय हाय आय हाय। तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद फिर नमाज पढ़ने चलते हैं। अभी जी मैं फजर की नमाज पढ़ के घर वापस आ रहा हूँ और अब टाइम होता है सोने का। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अभी जी मैं मदरसे से घर वापस आ चुका हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया और अब मैं जोहर की नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ। जोहर के नमाज के बाद आपसे मुलाकात होती है। अभी जी मैं जोहर की नमाज पढ़ के घर आया हूँ तो घर वालों ने काम दिया है कि जाओ फुलड़ियाँ ले के आओ और साथ जाम मछली की छोटी बोतल ले के आओ। अभी जी मैंने अपनी साइकिल गार्ड से बाहर निकाल ली है और ये थोड़ा सा आगे करके दुकान है, तो चलते हैं फिर दुकान से चीज़ें लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ली हैं। अभी जी मैं मगरिब की नमाज पढ़ के घर आ चुका हूँ। घर वालों ने काम दिया है कि जाओ अपनी फैक्ट्री और ये उधर जो काम करते हैं उनको चाय दे कर। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनको चाय देने के लिए और अब उधर पहुँच के मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी जी मैं घर पहुँच चुका हूँ और जाम मछली रूह अफ़ज़ा भी मिल चुका है और उसके बाद फुलकियाँ भी मिल चुकी हैं और नरमानियाँ भी मिल चुकी हैं। ये रूह अफ़ज़ा, फुलकियाँ और नरमानियाँ अब देते हैं इनको। अभी मैं असर की नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ और असर की नमाज के बाद आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अभी जी मैं नमाज सत्ता अदा करके घर वापस आ चुका हूँ और अब आपसे मुलाकात होती है अफ्तारी के टाइम। अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका है और इफ्तारी में है जी चने वाले चावल, जा मछली, मैंगो का शेक और चाट और खजूर। अभी जी मैं फैक्ट्री गया ही था तो मैंने चाय पकड़ाई तो उन्होंने मुझे काम दिया कि ये चावल हैं तो ये जाओ घर दे आ। तो अभी मैं चावल घर देने के लिए जा रहा हूँ। ये जो हमारी फैक्ट्री है वो हमारे घर के पास ही है, दूर नहीं है। ये घर से बाहर निकला और थोड़ा सा ही आगे जाकर फैक्ट्री। अभी घर जाकर ये चावल देते हैं, कहते हैं ये कारखाने से चावल दिया उन्होंने, शायद किसी ने कब फैक्ट्री में दे पकवाई थी इसलिए ये चावल आए हैं। मामा ये ले चावल या कार आने वाले अंकल ने दिए हैं। अभी जी मैं दूध देने से ले गया हुआ था तो है राज कबला की यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हुआ था होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में 1000 लाइक होंगे इंशाल्लाह।